देखिए मौसम तो अभी आमतौर पर ड्राई रहेगा, कोई ऐसा विशेष संभावना नहीं है कि बर्फबारी और बारिश होगी। और जनवरी को हम पूरा देखते हैं तो जनवरी में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हल्की सी बर्फबारी जो है ऊपर के प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जनवरी का महीना ड्राई रहेगा प्रदेश। देखिए अभी तक का जो प्रेसिपिटेशन है वो हमारे यहाँ हिमाचल में 1 जनवरी से 8 तक जो है -100% है। उसका तात्पर्य है कि रेनफॉल लगभग ना के बराबर है, बर्फबारी ना के बराबर है। और इससे पहले अगर 2004 से हम डाटा देखते हैं तो 2007 में -99% जो है पूरे जनवरी में प्रेसिपिटेशन देखने को मिली है, तो इस साल उससे भी कम है। और अभी हमारे कुछ और दिन हैं जनवरी में, लेकिन जैसे फोरकास्ट है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कुछ आगे बर्फबारी और बारिश देखने को मिले। तापमान नॉर्मल के आसपास चल रहे हैं दोनों, मैक्सिमम मिनिमम, और आने वाले दिनों में भी कोई विशेष इसमें फर्क नहीं आएगा, स्टेबल रहेंगे टेम्परेचर, बड़ा चेंज नहीं आएगा। बाय एंड लार्ज तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे प्रदेश। जो निचले क्षेत्र हैं जैसे बिलासपुर है, ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे मॉर्निंग्स में विजिबिलिटी कम जाएंगी, तो खासकर मॉर्निंग आवर्स में, जैसे बद्दी है इस तरह से बरोटी वाला इस पॉकेट्स में, और मंडी जिले में भी जो जहाँ जहाँ भी वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे मॉर्निंग में विजिबिलिटी के शुरू रहेंगे। देखिए पश्चिमी विक्षोभ का कम बनना, और वो क्यों कम बन रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल और पोलर एयर है इनका इंट्रैक्शन बड़ा कम हो रहा है इस साल, और उससे ये हो रहा है कि जो जेट जेट स्ट्रीम है जो आमतौर पर हमारे एरिया में बर्फबारी लाती है, पश्चिम विक्षोभ को रेगुलेट करती है, वो थोड़ा नॉर्थवर्ड है, एक तो ये वजह है। दूसरी, इस बार जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, एलिनो भी है, तो एलिनो भी जनरली क्या करता है कि जो विंटर वेदर होते हैं उनको थोड़ा सा उसका पैटर्न में बदलाव लाता है। तो ये जो ग्लोबल फीचर्स हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ कम हो रहे हैं, अगर बन भी रहे हैं तो यहाँ आते आते कमजोर हो रहे हैं। और जहाँ तक इसके असर की बात है, देखिए इसका बहुत असर पड़ता है बहुत से सेक्टर्स में, खासकर हम देखें तो जो आपका वाटर रिसोर्स है उसके ऊपर असर पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि फेवरेबल आपको चिलिंग फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, स्नोफॉल नहीं होगा, और खासकर उसके बाद जो है समर्स में जब स्नोफॉल मेल्ट होता है और नीचे पानी हमें चाहिए होता है इरिगेशन के लिए, वो भी आपको पर्याप्त नहीं मिलेगा, तो इसके बड़ा, और खासकर जो मानसून सर्कुलेशन होगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट असर होता है, तो इसके बड़े काफ़ी जो है इसके असर देखने को मिल सकते हैं। वे हेल्थ के ऊपर भी असर आ सकता है, तो बहुत से फैक्टर हैं, जैसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे इसका असर देखने को मिल सकता जनवरी में कोई स्पेल नहीं है, अगर हम बात करें जनवरी में स्पेल नहीं है है लगभग पानी ना के बराबर, क्योंकि जनवरी में जैसे हमारा इंडिकेशन से फोरकास्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि वाइड स्प्रेड बर्फबारी या बारिश होगी, लगभग ड्राई के आसपास रहने वाला।